वेलकम बैक गाइज, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ एस्थलीन रैप्सूल्स के ऊपर। और गाइज, इसे खास तौर पर ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी के लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है। इनफैक्ट जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी के साथ, उसे सांस लेने में परेशानी होती है, तब इस मेडिसिन को स्पेशली प्रेस्क्राइब किया जाता है। अब वो कोई सा भी केस हो सकता है, अस्थमा का हो या COPD का हो, या कोई छोटा बच्चा जिसकी छाती में कंजेशन बहुत ज़्यादा है, पूरी छाती बलगम से भर गई हो और उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, या उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो चुका हो, सैचुरेशन जो होती है वो पेशेंट की कम हो, तब भी इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो गाइस, वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यूस वीडियो को देखना, क्योंकि अगर आप सांस के पेशेंट हैं तो ज़रूर आप एंटी एलर्जिक मेडिसिन या सांस की दवाइयां भी खा रहे होंगे। और कुछ दवाइयां ऐसी भी हैं जो एस्थलीन रैप्सूल्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं। अगर आप रेगुलरली उन मेडिसिन को भी खा रहे हैं और साथ में एस्थलीन रैप्सूल्स को भी ले रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको उन दवाइयों से या एस्थलीन रैप्सूल्स से इंटरेक्शन हो, साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलें। और कई केसेस ऐसे भी हैं जिसमें लोगों को हार्ट अटैक तक हो जाता है। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों के लिए सही डोज कितनी होनी चाहिए। अब कई लोग ऐसे हैं कि पूरा का पूरा जो रैप्सूल्स है वो बच्चों को डाल देते हैं, और जिससे सीधा इस मेडिसिन का असर जो है वाया ब्लड दिल तक पहुँचता है और बच्चों को दिल की बीमारियाँ भी हो जाती हैं। तो गाइज़, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इसके यूजेस क्या क्या हैं, किस कंडीशन में आपने इसको यूज़ करना है, यूज़ करने के बाद आपने क्या करना है जिससे आपको इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम हो, और उसके बाद मैं बताऊंगा इसकी सही डोज कितनी होनी चाहिए। साथ ही वो मेडिसिन भी मैं आपको बताऊंगा जो इसके साथ इंटरेक्ट करती हैं, वो मेडिसिन आपने नहीं लेनी है, आपने अपने डॉक्टर के साथ जाके कंसल्ट करना है, और वो उसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन आपको ज़रूर बताएंगे। और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इस मेडिसिन के आपको कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। तो गाइज, ये जो मेडिसिन है ये 2.5 ml के रैप्सूल्स के अंदर आती है। आप देख सकते हैं ये सिंगल रैप्सूल होता है। ओके, ये जो सिंगल रैप्सूल है ये 2.5 ml का है, और इसके अंदर सलबूटामोल भी 2.5 mg का होता है, और इसे सिप्ला कंपनी बनाती है। काफ़ी बड़ा ब्रांड है गाइज ये इंडिया में। और इस मेडिसिन को कैसे लोड करना है उसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है। आप लिवोलिन की या डुवोलिन या बुडेकोट की वीडियो आप देख लेना, और उसमें मैंने बताया है इस मेडिसिन को आपने कैसे लोड करना है। तो गाइज, इस मेडिसिन को आपने नेबुलाइज के साथ लोड करना है, और उसका पूरा प्रोसीजर मैंने लिवोलिन की वीडियो में बताया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो लोड करने के बाद आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, ये थी बात इसके यूजेस की, आपने कैसे यूज़ करना है। और अब बात करते हैं इसको आपने किस किस कंडीशन में यूज़ करना है। तो गाइज, इसका जो मेन काम है वो है सांस की दिक्कत को दूर करने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको इसका मोड ऑफ एक्शन पता होना चाहिए कि ये शरीर में काम कैसे करती है। अगर आप उसे जान जाते हैं तो इसके यूजेस का भी आपको पता लग जाएगा। तो गाइज, ये काम कैसे करती है, ये बेटा 2 एड्रिनो रिसेप्टर होते हैं उनको स्टिमुलेट कर देती है। ये रिसेप्टर ब्रोंकल के आसपास के जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करती है, जिसके कारण जो एयर पाथ होता है, जो सांस लेने वाली नलकी हैं वो एक्सपेंड हो जाती हैं, मतलब कि फूल जाती हैं, और जिससे पेशेंट को सांस आसानी से आता है। तो गाइज, ये था इसका मोड ऑफ एक्शन। अब आपको पता लग गया कि ये मेडिसिन काम कैसे करती है। तो गाइज, इसका यूज़ तो खास तौर पर तब करते हैं जब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है। अब वो कोई सी भी कंडीशन हो सकती है, या चाहे वो पेशेंट अस्थमा का हो, चाहे पेशेंट COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज़ का हो, या फिर पेशेंट की चेस्ट में कंजेशन हो, म्यूकस पूरा का पूरा भर चुका हो। तो गाइज, ऐसे कुछ केसेस हैं जब इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो गाइज, ये थी इसके यूजेस की बात। आगे मैं आपको बताता हूँ इसकी सही डोज कितनी होनी चाहिए। तो नॉर्मली तो इस रैप्सूल को जो ये 2.5 mg के रैप्सूल्स हैं, वो एडल्ट डोज जो इसकी है, एवरेज एडल्ट डोज, वो है एक रैप्सूल आप मैक्सिमम 4 बार तक ले सकते हैं। अगर आपको क्रोनिक COPD की दिक्कत है, अगर आपको सांस लेने की ज़्यादा दिक्कत है, तब आप इस रैप्सूल को दिन में 4 बार तक ले सकते हैं।
और बच्चों में जो 4 साल से 12 साल के बीच में हैं, एक रेस्पूल आप दिन में 3 बार बच्चों को दे सकते हैं, और जो बच्चे 2 साल से छोटे हैं उन्हें 1 ml नॉर्मल स्लाइन 0.9% का जो सोडियम क्लोराइड होता है, 100 ml की आप बोतल ले सकते हैं NS की नॉर्मल स्लाइन की, 1 ml नॉर्मल स्लाइन डालना है और 1 ml आपने सिरिंज से इस मेडिसिन को लोड करना है, और दोनों को मिला के आप नेबुलाइजेशन का जो मेडिसिन कप होता है उसके अंदर आप लोड करना, और उससे आप बच्चे को स्टीम दे सकते हैं इसकी, इस मेडिसिन की। तो गाइज ये थी इसकी डोसेस की बात, और गाइज जो यूज़ करने का तरीका है, लोड करने का तरीका, तो आप उस वीडियो में देख लेना। यूज़ जब आप करेंगे लोड करने के बाद, तब आपने जो नेबुलाइजर का जो मास्क है उसको पूरा मुंह पे कवर करना है, और उसके बाद आपने मुंह से सांस लेनी है ताकि जितनी भी धुआं जो मॉइस्ट बनता है, इसका धुआं बनता है, वो पूरा का पूरा अंदर जाए, लंग्स तक, फेफड़ों तक जानी चाहिए पूरी की पूरी मेडिसिन, तभी ये मेडिसिन ज़्यादा अच्छी तरह से वर्क करेगी। आपने नाक के साथ सांस नहीं लेना, आपने मुंह के साथ सांस लेना है, और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक दूसरे टाइप का माउथ पीस आता है, उसको आप नाक के पास रख के बच्चे को नेबुलाइज दे सकते हैं, और स्टीम देने के बाद आपने अच्छे से बच्चे का मुंह साफ करना है, या खुद का मुंह अगर आप ले रहे हैं तो आपने खुद का मुंह अच्छे से साफ करना है, क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये आपके मुंह पर भी लगती है, इसलिए आपने नेबुलाइज लेने के बाद अच्छे से मुंह को साफ करना है और आँखों को भी धोना है, और ये प्रोसीजर आपने हर बार करना है जब भी आप स्टीम लेंगे। तो गाइज़ ये थी आपने क्या करना है जिससे आपको कुछ जो इस मेडिसिन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको ना देखने के लिए मिलें। तो गाइज़ आगे बात करते हैं कि आपने किन मेडिसिन के साथ इसको यूज़ नहीं करना, जिन मेडिसिन के साथ इसकी इंटरेक्शन होती है। तो गाइज़ पहले नंबर पे है फेनिलएफ्रिन, जो कि एंटी कोल्ड मेडिसिन के साथ में इसका कॉम्बिनेशन होता है, जैसे सीनारेस्ट नाम की टैबलेट आती है जिसके अंदर फेनिलएफ्रिन होता है, और इसके साथ अगर आप इन दोनों को यूज़ करते हैं, जैसे अगर आप सीनारेस्ट टैबलेट को भी यूज़ कर रहे हैं, साथ ही एस्थलिन के कैप्सूल्स को भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इसके एडवर्स इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे आपको आपकी जो पल्स रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, या आपको सिर में दर्द हो सकता है, या फिर आपके जो हाथ पैर हैं वो कांपने लग जाएंगे, तो आपको कुछ इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही अगर आप डायरीफाइलिन रिटार्ड नाम की कोई टैबलेट का यूज़ कर रहे हैं, उसमें थियोफाइलिन नाम का साल्ट होता है, उसका कॉम्पोजिशन है गाइज, तो गाइज इस कॉम्पोजिशन से जो आपके ब्लड में पोटेशियम का लेवल है वो कम हो जाता है, और इस इन दोनों का इंटरेक्शन होता है जिसके कारण पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है। तो अगर आप इन दोनों को भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको रेगुलरली आपका पोटेशियम का जो लेवल है वो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं, अगर उन्हें सही लगता है तो आप दोनों चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। और गाइस तीसरे नंबर पर है बेटा ब्लॉकर, अगर आप किसी भी मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं जो कि बीटा ब्लॉकर ग्रुप की हो, तो आप इसको यूज़ ना करें, क्योंकि इन मेडिसिन से भी आपको एडवर्स इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा टाइम तक इन मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो ये हार्ट अटैक जैसे ही चांसेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस आगे बात करते हैं कि इस मेडिसिन के यूज़ से आपको किस किस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस नंबर 1 है हाइपरग्लासमिया, आपका जो ब्लड शुगर का लेवल है वो बढ़ जाता है इसको यूज़ करते टाइम, साथ ही ये कई बारी पेशेंट की दिल की धड़कन, मतलब आपको टैकीकार्डिया भी हो सकता है इसको यूज़ करते टाइम, साथ ही कुछ लोगों को हेडेक की प्रॉब्लम भी आती है, या कई लोगों के हाथ पैर हैं वो कांपने लग जाते हैं। तो गाइस ये कुछ प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स थे जो नेबुलाइज लेने के बाद देखने को मिलते हैं, अगर आपको इन में से किसी भी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलें तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें। तो गाइज़ आज का हमारा टॉपिक था एस्थलिन कैप्सूल्स के ऊपर, आई होप ये टॉपिक आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो गाइज़ ऐसे ही यूज़फुल टॉपिक्स और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही गाइज़ अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी बात को लेकर, किसी भी तरह का कोई सजेशन देना हो तो आप हमें कमेंट करके दे सकते हैं। तो गाइज़ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।